नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। आइए देखिए हमारे साथ देश और दुनिया की ताजा खबरें। नगीना देहात पुलिस ने जंगल में छापेमार कार्यवाही के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण, सैकड़ों लीटर कच्ची शराब तथा हजारों लीटर लहन नष्ट किया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शराब माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बीती रात्रि नगीना देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव मतवाली के जंगल में छापा मारा। छापेमार कार्यवाही के दौरान मौके से परमजीत नाम का एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा परमजीत के पास से सैकड़ों लीटर कच्ची शराब, हजारों लीटर लहन पुलिस ने बरामद करके नष्ट किया। एसपी देहात राम भरत ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्यवाही के दौरान पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और लगातार बिजनौर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव निकट है जो है, और उसके परिप्रेक्ष्य में जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद में अवैध शराब बनाने वाले, बिक्री करने वाले एवं परिवहन करने वालों के विरुद्ध निरंतर चेकिंग करके कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में थाना नगीना देहात के थाना प्रभारी मय फोर्स के साथ गश्त पे थे। मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है वो मतावली के जंगल में अवैध शराब बनाते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 242 लीटर अवैध मदिरा और बरामद हुई, बनाने का उपकरण बरामद हुआ, साथ ही करीब जो है 2500 लीटर लहन को नष्ट किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।